गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर आशीष। और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक है क्लास टेंथ का, और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं सेपल्स, पिटल्स, स्टेमिन और लास्ट है पिस्टिल। स्टेमिन क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और स्टेमिन के टू पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और लास्ट है ओवरी। फ्लावर जनरली यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, स्टेमिन भी होता है पिस्टिल भी होता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है कि एक फ्लावर स्टेमिन है, दूसरे में क्या पिस्टिल है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए जो एग्जाम में आ चुका है। तो ये पहले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन भी यहाँ अपडेट किया गया कि इसमें पूछा गया कि जो बाईसेक्सुअल फ्लावर है इसको यदि इसमें कोई डिसीज हुई है तो इससे हम कैसे इस प्लांट को हम बचा सकते हैं। तो इसमें लास्ट में दिया भी है कि इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है कि जो बाईसेक्सुअल फ्लावर है इसको हम चेंज कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। तो जनरली बाईसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज क्या करता है? वेरिएशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन विल इंक्रीज वेरिएशन, सो देयर बाय द चांस ऑफ हैविंग मोर डिसीज फ्री ऑफस्प्रिंग। तो इसका मेन रीजन है बाईसेक्सुअल फ्लावर को कन्वर्ट किया जा रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। ओके,